तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अवधूत है और आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। और आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि एक कॉफ़ी बी रोल के बाद सीधा हम यहाँ पर एक फ्लोर पे आए। जिम के नीचे एक फ्लोर है जहाँ पर थोड़ी खाली जगह थी और मुझे लगा यहाँ पर हम शूट कर सकते हैं। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और यूजुअली ये टाइम पर मैं कॉलेज होता हूँ, लेकिन आज हमें मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जाना है इसलिए हमने कॉलेज को छुट्टी ली है। लेकिन हम ये टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे, अभी हम जिम में जाएंगे और एक अच्छा सा लेग वर्कआउट करेंगे। आज के वीडियो के दो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होने वाले हैं। सबसे पहला, हम ऑलमोस्ट 6 या 7 महीने बाद बारबेल बैक स्क्वाट मारने वाले हैं, इसका रीज़न मैं आपको अंदर बताऊँगा। और दूसरा बड़ा हाईलाइट, आज मैं आपको अपनी टोफू सैंडविच रेसिपी बताने वाला हूँ जो कि हाई इन प्रोटीन है। सो एक अच्छा सा लेग वर्कआउट करेंगे, घर पर जाएंगे, पोस्ट वर्कआउट में मैं जो टोफू सैंडविच खाता हूँ उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगा। सो लेट्स गो। तो मैंने जस्ट बारबेल बैक स्क्वाट पर अभी 3 वार्म अप सेट किए हैं। और जब मैं पहले बात कर रहा था, कोई तो आ गया था इसलिए मैंने सोचा टाइम वेस्ट क्यों करना है, वार्म अप सेट करके बात करते हैं। सो मैं ये बात कर रहा था कि मैं ये मोमेंट 6 या 7 महीने बाद परफॉर्म कर रहा हूँ। और क्यों? क्योंकि मेरे पिछले जिम में एक ही स्क्वाट रैक था, जब भी हम लेग्स ट्रेन करने जाते थे वो स्क्वाट रैक ऑक्यूपाई होता था और कभी मिलता था कभी नहीं। इसकी वजह से हमने कम्प्लीटली स्क्वाट्स करना छोड़ दिया था और थोड़े से लोअर बैक के भी इश्यूज़ थे इसलिए हमने उसे अपने ट्रेनिंग सेशन से निकाल दिया था। लेकिन अभी यहाँ पर 2 स्क्वाट रैक है, 2 डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म और एक स्मिथ मशीन भी अलग से है। सो हमें यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगा, स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी हमारा मेन वर्किंग सेट होगा 90 केजीस आई गेस जाएगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम मारा था मैंने अपने फ़ोन में चेक किया तो 95 केजीस फॉर 7 रेप समथिंग था। सो देखते हैं 90 केजीस कैसे जाता है। चलो चालू थैंक यू सर। नेक्स्ट डे शूट करने का रीज़न ये है कि कल लेग डे के बाद मुझे एक अर्जेंट शूट पर जाना था और मैं आगे वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो अभी मैं जस्ट ये दोराब जी से ब्रेड लेकर आया हूँ जो कि हमारे रेसिपी का सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होने वाला है। और सबसे पहला ये टोफू जो कि मैं जेप्टो से मंगाता हूँ, मैं पूरे वीक का एक साथ मंगाता हूँ, सो मुझे ये सस्ता भी पड़ जाता है और इस पर फ्री डिलीवरी मिल जाती है। आप इसे आई डोंट नो ये ब्रांड आपको डीमार्ट में मिलेगा या नहीं, लेकिन जेप्टो पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, स्पॉन्सर्ड नहीं है। सो ये 2 इम्पोर्टेंट इन्ग्रीडियंट होने वाले हैं और इसी से आज की रेसिपी हम कंप्लीट करेंगे। Thank you.
हमारे हाई प्रोटीन टोफू सैंडविचेस तैयार हो गए हैं। मैंने इन टोटल 3 सैंडविचेस बनाए हैं क्योंकि प्रोटीन की थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाती है और ज़्यादा कैलोरीज भी ऐड नहीं होते, और ऐड भी हो गए तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम बल्किंग पे हैं। तो हम इसे केचप के साथ इंजॉय करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करना, मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक चलने वाले सांसे तब तक चलने वाले ड्रामे, भागा दूर मेरे पैरों पे ना रिश्तों के कोई धागे, सबर सीख लिया बहुत अपना होता इंतजार, ज्यादा सेवर नहीं है बचे अभी, माँ पे या तो पहनूंगा अब कबर या तो गले पे अब गिरने